हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस R7। आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्री वर्कआउट। यूजुअली प्री वर्कआउट में मैं ब्लैक कॉफ़ी का ही यूज़ करता हूँ, लेकिन आज मैंने बनाया है मैंगो कॉफ़ी, इसलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसके मैक्रोज के बारे में मीन्स इसमें कितना कार्ब्स है, कितना फैट है और कितना प्रोटीन है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप देख लें कि इस कॉफ़ी को मैंने किस तरह तैयार की है। तो मैंगो कॉफ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1 मैंगो क्यूब्स, कॉफ़ी और 200 ml मिल्क। अपने मिक्सर के जार में आप ऐड करें अराउंड 1/2 cup मैंगो क्यूब्स। के बाद में 200 ml मिल्क जो हमने ग्लास में निकाला है ऑलरेडी, वो भी इसमें ऐड कर दें। और हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स कॉफ़ी, ये 1 tablespoon ऐड कर दें। ऐसे तो फ्रेंड्स प्री वर्कआउट में मैं हमेशा ब्लैक कॉफ़ी का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है और सबसे सस्ता प्री वर्कआउट है। आप इसे 1 glass गर्म पानी में 1 tablespoon कॉफ़ी को मिक्स करके पिए जिम जाने के 20 से 25 मिनट पहले। ब्लैक कॉफ़ी से जो एनर्जी हमें मिलती है, इसकी एक्टिव लाइफ 75 से 90 मिनट तक होती है, जो हमें जिम में बहुत हेल्प करती है। अब हमारी मैंगो कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है। अब इसे ड्रिंक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह मैंने प्री वर्कआउट में मैंगो कॉफ़ी को तैयार किया है। आप भी इस तरीके से ही तैयार करें। अब हम बात करेंगे इसके मैक्रोस की। तो इसमें हमें टोटल 140 कैलोरीज मिलेगी, जिसमें से हम 22 ग्राम कार्ब्स, 7 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम फैट कंज्यूम करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्री वर्कआउट ड्रिंक है, आप इसे ट्राई करें ज़रूर और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें मेरे वीडियो को उनके साथ जिन्हें आप फिट देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।